आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां से समाजवादी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आप भी ले सकते हैं। आई कर लो। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्य संकल्प है। जय जवान जय किसान। और इसके साथ साथ हम अपने पत्रकार साथियों से भी कहेंगे बाद में चुपचाप आप भी लेना संकल्प। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो तो आएगा और मैनिफेस्टो में बहुत सी चीजें आएंगी, लेकिन आज किसान के सवाल पे जब अन संकल्प लिया है तो समाजवादी पार्टी और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड भी अगर बनाना पड़ेगा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे जिससे किसानों का भुगतान न रुके। साथ ही साथ 300 यूनिट जो फ्री बिजली का समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है, घोषणा की है, मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। मैं उस बात को फिर दोहराता हूं कि सभी किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी, साथ ही साथ ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की भी व्यवस्था किसानों के लिए की जाएगी। बहुत अच्छा सवाल इसलिए पूछा, कभी उनसे पूछिए जिन्होंने ये कहा कि $5 trillion की इकोनॉमी कर देंगे, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी भी इतने $1 trillion की इकोनॉमी हो जाएगी। और जहां तक समाजवादी पार्टी का है, इसीलिए मैंने कहा कि हम मैनिफेस्टो में जब आपके सामने आएंगे उन तमाम बिंदुओं को रखेंगे जिनसे इन चीजों को पूरा किया जाएगा। अगर आज किसानों पर रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इन्हीं बिंदुओं पर रखिए, क्योंकि इधर उधर की बात होगी तो बहुत लंबी बात जाएगी। समाजवादी पार्टी और हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अत्याचार और अन्याय किया है उस भाजपा को हराएंगे, हटाएंगे। हमारी अपील है कि किसान अन्नदाता भारतीय जनता पार्टी को हराएं, हटाएं। साथ ही साथ हम अपने तमाम लोगों से कहेंगे इस अन संकल्प को से जुड़ें और इस आंदोलन को, इस कार्यक्रम को, इस फैसले को आगे बढ़ाएं। वो अभी पार्टी तय कर लेगी, अभी तक तो डिबेट उसी पे चल रही है टीवी। भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री आचार संहिता का जगह जगह उल्लंघन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लिखित शिकायत चुनाव आयोग को करेगी। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन पर सख्ती से
नियमों का पालन करने के लिए आदेश करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों में न फंसिए, आप भी अन्य संकल्प लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ पैसे लगाए हैं, आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में हजारों करोड़ जानवरों की देखभाल के लिए, रखवाली के लिए, गाय माँ के उनके खाने के लिए इंतजाम किया, लेकिन आज भी सरकार नाकाम रही है। तो जवाब आपको भी याद नहीं होगा। मैं आपको एक गाड़ी दूंगा और आप एक्सप्रेसवे पे जाइएगा, 100 एकड़ में लगभग वो मंडी बन रही थी, जिसमें किसान आए, एक ही जगह उसे सुविधा मिल जाए, एक दो डिस्ट्रिक्ट के किसानों को वहीं सुविधा मिल जाए, आप जरूर देख करके आइए। और भारतीय जनता पार्टी जहां ये दावा कर रही थी कि 1 लाख करोड़ में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करेंगे, समाजवादी पार्टी जानना चाहेगी और उत्तर प्रदेश के किसान जानना चाहेंगे आखिरकार उस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से उत्तर प्रदेश को कितना फंड मिला है। तेजिंदर विर्क जी का सम्मान समाजवादी पार्टी करेगी। किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर जो मुकदमे लगे हैं उन मुकदमों को सभी वापस लिया जाएगा। जिन किसानों की जान गई है, शहीद हुए हैं, उन किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपए सरकार बनने पर दिया जाएगा। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछो कि 5 साल सोते रहे और दिल्ली और लखनऊ की डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी। सभी वर्गों को प्राथमिकता पे गरीब मध्यम वर्ग को मिलेगा। मुझे इस बात की चिंता है कि हमारे परिवार की हमसे ज्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी को है। कहीं आप भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर के तो नहीं सवाल पूछ रहे हो? हाँ, ये असली सवाल है। भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाने के लिए कि उन्होंने किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई और कई मौकों पर मैंने कहा अंग्रेजों की सरकार में भी ऐसा जुल्म नहीं हुआ होगा जैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। जलियांवाले बाग में सीने पर गोली चलाई अंग्रेजों ने, और यहां पर जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन खत्म करके अपने घर लौट के जा रहे थे, पीछे से जीप चढ़ाई। उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे? इसीलिए हम संकल्प ले रहे हैं, ये अन्य संकल्प ले रहे हैं, जिन्होंने किसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया है उनको हटाएंगे और हराएंगे। वो आपने ढंग से उनका संकल्प पत्र नहीं पढ़ा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 2022 आते ही हुए किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी।
मैं ये जानना चाहता हूं, तारीख बदलने से, साल बदलने से किसानों की आय दोगुनी कैसे हो जाएगी? जो सवाल इधर से पूछा गया था कि जब तक उसको सुविधाएं नहीं दोगे, जैसे बिजली सस्ती दे रहे हैं, किसान को सिंचाई माफ कर रहे हैं, अभी और भी चीजें आएंगी, तब बीजेपी वाले पूछेंगे इतना फंड कहां से आएगा। मैं आपको भाई मानता हूं, जो भी लोग हैं हम छोटे बड़े भाई मानते हैं, जो उम्र वाले हैं उन्हें चाचा मानता हूं, तो अब और क्या कहें हम। अरे मैंने आपसे कहा कि जो राजनीति है, और कल भी मैंने बात कही थी कि समाजवादी पार्टी ने त्याग किया अपनी अपनी गठबंधन के लोगों को सम्मान देने के लिए, साथ लाने के लिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी त्याग करना चाहे त्याग करना चाहिए, समाजवादी पार्टी कर रही है त्याग। और जहां तक चंद्रशेखर का सवाल है, मैंने सीटें दी थी, अगर वो भाई बन के भी मदद करना चाहते हैं तो करें। समाजवादी पार्टी ने, और केवल समाजवादी पार्टी का प्रयास नहीं था, केवल एक व्यक्ति या एक पार्टी की सवाल नहीं था, अगर पुराना इतिहास उठाकर के आप देखेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के साथ काम करना चाहते थे। क्या इतिहास नहीं ये जानता? इतिहास में वो बातें दर्ज हैं कि पत्र लिखे गए थे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे, उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए। और एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया था, उससे पहले नेताजी ने कोशिश की थी, माननीय काशीराम जी को पहली बार सदन में अगर कहीं से भेजा गया था, वो हमारे गृह जनपद से भेजा गया था, इटावा से भेजा गया था। तो कोई किसी के कहने से आरोप न लगाए, इसीलिए मैंने कहा उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए बड़ी बड़ी साजिशें हैं, बड़े बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं, होंगे। वो सवाल जो आया था वो भी षड्यंत्र का हिस्सा था, ये सवाल जो आया ये भी षड्यंत्र का हिस्सा है, बड़े संयंत्र होने जा रहे हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है। इसलिए षड्यंत्र और साजिश से आप भी बचाइए उत्तर प्रदेश को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसानों की आय दोगुनी जो उधर से सवाल किया है, मैं तो अपने पत्रकार साथी से कहूंगा कि अगर बाबा मुख्यमंत्री आपको मिल जाए भारतीय जनता पार्टी के, उनसे पूछिए आपने संकल्प पत्र में लिखा था क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई, आखिरकार लिखा क्यों था। और उनका भाषण पुराना उठाइए, उसमें कहा कि 2022 आते ही किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, ये कोई जादू था उनके पास कि तारीख बदलने से, साल बदलने से किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। लेकिन जिस तरह किसान जानवर से परेशान है, जिस तरीके से उसकी मदद होनी चाहिए, सरकार मदद नहीं कर पा रही, खाद नहीं सरकार दे पा रही, बताइए। जो बड़ी बड़ी हवाई बातें करते हैं, उनके पास खाद नहीं है देने को। नहीं, ये आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पहला शायद इंटरव्यू आपने किया था। हाँ, पहला इंटरव्यू इसलिए गया, तो इसलिए आपको, क्योंकि पत्रकार हैं आप, तो पत्रकार को और भी जानकारी करनी चाहिए। जिस समय मैंने दो सीटें दी वो स्वीकार कर लिया, उसके बाद पता नहीं कहाँ संगठन में किससे बात हुई, दिल्ली बात हुई, कहाँ बात हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम दो सीट पर नहीं रह सकते, हमारे संगठन में आपस में सहमति नहीं है। तो लखनऊ से समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखा रहे थे, जहां पर अखिलेश यादव की अध्यक्षता में तमाम जो सपा कार्यकर्ता हैं उन्होंने अन्य संकल्प यहां पर लिया है, और प्रेस वार्ता के दौरान विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव यहां पर नजर आए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.